गाइस क्या आपको पता है पृथ्वी के कचरे को पोल्यूशन बोलते हैं, जो स्पेस अंतरिक्ष में कचरा होता है उसको डेब्रीज बोलते हैं, और जो यूट्यूब पे कचरा होता है उसको फूड ब्लॉगर्स बोलते हैं। यस, तो आज हम करेंगे फूड ब्लॉगर्स को रोस्ट। आपको तो पता है सेकंड चैनल पे हम वियर्ड फूड्स पे रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट कर करके मेरा पारा इतना पार हो गया है, अभी फाइनली रोस्ट करने का टाइम आ गया। कोई मुझसे पूछ रहा था कि भाई ये फूड ब्लॉगर्स के एक्सप्रेशन से भी ज्यादा खराब क्या है, एक्सप्रेशन या इनके डिशेज? ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। मैंने बोला इनका कॉन्टेंट, गुलाब जामुन पकौड़े, डेयरी मिल्क पकोड़े, तुमको क्या लगा ये सब करके तुम निकल जाओगे और थकेश भाई रोस्ट नहीं करेगा? ऐसा मत करो मेरी जान। अभी आई नो तुम लोग बोलते हो कि फूड ब्लॉगर ने बहुत सारे रस्ते पे जो ठेला लगाते हैं उनका बिजनेस बढ़ाया है। मैं बोल रहा हूँ भाई ये लोग से ज्यादा वो लोग ने रोस्टर्स का बिजनेस बढ़ाया है। इन लोगों ने एक्चुअली अपनी इज्जत इतनी खराब कर दी ना कि यूट्यूब पे फूड ब्लॉगर सर्च करो ना, फूड ब्लॉगर्स के रोस्ट आ जाते हैं, और अभी ये वाला भी आएगा। इसी बात पे शुरू करते हैं रोस्ट। कोई मेरे को पूछ रहा था कि भाई आपको क्या लगता है ये फूड चैलेंजेस से पैसे आते होंगे? मैंने कहा पैसे का तो पता नहीं भाई, घिन जरूर आती है। सम से बोल रहा हूँ, लाखों कीड़े खाए होंगे बेयर ग्रिल्स ने, पर इतनी घिन तो उसको देख के भी नहीं आई कभी। इनके वीडियो पे अगर आप कमेंट कर दो ना कि भाई ये जानवरों जैसे क्यों खा रहे हो, तो भाई ये ऑफेंड हो जाएंगे। ये नहीं जानवर कल माना आपको अपने बच्चों का पेट पालना है भाई, भूख लग रही है बहुत तेज भूख, उसके लिए हमारा पेट क्यों खराब कर रहे हो? क्यों नहीं, वैसे आप इन अंकल को अनहाइजेनिक नहीं बोल सकते, बिकॉज वो हाथ धो तो रहे एटलीस्ट, चलो आपके जलजीरे में ही डाल के धो रहे हैं, लेकिन मुझे उल्टी आ रही है। अभी किसी ने इनके कमेंट में पूछा कि भाई आप इतने सारे फूड ब्लॉग्स करते हो लेकिन सबसे ज्यादा आपने क्या खाया है? पार्ले जी खाना पड़ रहा है काली चाय में डुबो के। एंड आई वाज लाइक गालियां। पहले जो स्ट्रीट फूड होता था वो सिर्फ इंसानों को वायरल कर देता था, पर आजकल ये यूट्यूबर्स को भी वायरल कर रहे हैं। आई नो ये खराब जोक था, लेकिन इनके खाने से ज्यादा नहीं। ये किस जानवर की चमड़ी? पहले देखो स्ट्रीट फूड सिर्फ अनहाइजीनिक होता था। इट वाज परफेक्ट, परफेक्ट एवरीथिंग डाउन टू द लास्ट। आजकल तो इलॉजिकल भी है। पकौड़े के अंदर ओरियो है, आपको यकीन नहीं आ रहा? एक और दिखा देता हूँ, ये देखिए। ऐसा नहीं कि अब से हो रहा है, कोई रिसेंटली है। भाई ने बताया कि 15-20 साल से लोग यहाँ पे ओरियो का पकोड़े खा रहे हैं और बच्चों के फेवरेट है ये। आई एम स्टंड। पहले के जमाने में पता है खाना अच्छा नहीं हो तो सिर्फ आपकी हेल्थ खराब होने का डर रहता था, पर आजकल तो ये आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब करेगा। नहीं नहीं ऐड में आएंगी और आपके बाद में। ये पाजी को सब जानते हैं, पिछला वीडियो हमारा इस पे ही था, नहीं देखा तो डेडिकेटेड वीडियो देख लेना जाके। इनको सब जानते हैं, वायरल पिज्जा कपल है, इनका पिज्जा का बिजनेस है, लेकिन ये दिन भर में जितने पिज्जा नहीं बनाते ना उससे ज्यादा तो वीडियोस बना देते। इतना फॉलोअर हो जाएगा तो आदमी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। बट यार ऑनेस्टली पिछले वीडियो में बोला था कपल बहुत क्यूट है, इसलिए इनका धंधा भी चल रहा है। यार काश हमारे पास भी कोई होता, हम भी ऐसा धंधा लगाते, गुजिया की दुकान खोलते। बात तो सच है, अभी ये कोई SR की मूवी तो नहीं है कि लड़की पलट के देखेगी और हाँ बोलेगी। क्या करे भैया, डेटिंग इजी थोड़ी है। आई नो डेटिंग इजी चीज नहीं है। पहली चीज जो आपको करनी है, थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाओ उसको लेके। डू यू वांट डेट? फिर काउच से उठो, डाउनलोड करो हैपन ऐप, लोगों से मिलना शुरू करो। अरे भैया वो डेटिंग ऐप पे ना बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। भाई हैपन पे तो उन्हीं लोगों से मिलता है जिन्होंने तेरे साथ पाथ्स क्रॉस किए थैंक्स टू जियो लोकेशन। ये आपको वही लोग दिखाएगा जो सेम प्लेसेस पे गए जहाँ पर आप गए हो, और आपका एग्जैक्ट लोकेशन भी रिवील नहीं करता। बवाल चीज है वे। मैं आपको करना प्रोफाइल बनाओ, अच्छे मस्त वाले फोटोज डाल के ऐसे, और फिर कुछ कैसे लिख दो जैसे कोई जोक यार अपने बारे में कुछ, एंड प्रोफाइल वेरीफाई करा लो। मतलब ब्लू टिक दिखाएगी कि हम रियल है, और फिर ट्रस्ट भी करेगी हम पे। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। एंड इसमें एक गेम भी है जहाँ पर आपको 4 प्रोफाइल दिखाए जाते हैं, एंड आपको गेस करना है कि कौन से प्रोफाइल ने आपको लाइक किया है। एंड आपका गेस सही निकलता है तो इट्स अ क्रश। क्रश मिल गया, देखो इसको तो क्रश मिल गया। आप किस चीज का वेट कर रहे हो भाई? डाउनलोड करो हैपन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐप तो फ्री है, बट अगर ज्यादा क्रशेस चाहिए ना तो आप प्रीमियम प्लान ले सकते हो, जो कि 599 का है फॉर 3 मंथ्स, एंड 199 पर मंथ तक भी ले सकते हो। डाउनलोड करो, देखो किसको क्रश है आप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मैगी, अगर कोई मेरा अनफिल्टर्ड चैनल फॉलो करता है तो उनको मालूम होगा इंडिया वाले तो मैगी को बिना सोचे समझे किधर भी डाल देते। मतलब भाई वो मैगी है, तुम्हारा वोट नहीं, किधर भी डाल दोगे। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? मैंने सुना है यहाँ पे कोई स्पेशल मैगी मिलती है। फेंटा मैगी मिलती है। फेंटा मैगी मिलती है? मतलब सोच कहाँ से आई कि ऐसी फेंटा मैगी बनानी चाहिए? एक कस्टमर बनवा के खाए, उनको अच्छा लगा। भाई आप बिलीव कर सकते हैं, मैगी के अंदर फेंटा डाल रहे हैं भैया ये। ओ भाई गजब। मतलब इतने बुरे दिन तो मैगी के तब भी नहीं थे जब वो बैन हुई थी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कौन सी चीज है जो बिना ग्रेविटी के भी नीचे गिर जाती है? इंडियन फूड व्लॉगिंग के स्टैंडर्ड्स। आपको पता है इंडिया में फूड व्लॉगर्स नहीं होते तो क्या होता? फिर रस्ते पे खाना बेचने वाले सिर्फ खाना बेचते, खुद को नहीं। बर्तन साफ करना, पानी भरना,
डॉक्टर को दिखाओ। जो लगता था इनका खाना ही खराब होता है, आज मालूम पड़ा उससे ज्यादा खराब इनका डांस होता है। 15 देसी अंडों का ऑमलेट। ये देखिए भाई साहब, देसी अंडे में बनेगा। तो भाई ये जो है भाई, इसको चक्कर कटाए जा रहे हैं पार्क के। ये जा रहा है भाई साहब पूरा। ओए होए हो। भाई अगर आपको सिर्फ ये चीज खा के 3-4 किलो गेनिंग करनी है ना, तो जरूर आओ यार यहाँ। भाई ये आप लोग देख रहे हो भैया, ये पूरी आधी किलो की मक्खन की। किसी ने कमेंट में पूछा कि भैया इसका स्वाद कैसा है, आई थिंक लेकिन वो पता ही नहीं चल पाया होगा, क्योंकि इसको खाने वाले को स्वाद से पहले तो अटैक आ गया होगा। इतना मक्खन पढ़ना तेरे को डर नहीं लगता? लॉकडाउन की वजह से घर के हालात खराब हुए, तो घर की स्थिति खराब होने की वजह से मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना ही है। सर 16 साल की उम्र है, पर मैंने कहा भाजी बर्गर स्टॉल भी करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा, तो मैंने स्टॉल खोली भाजी बर्गर की। अब इसमें डाली जाएगी भाजी बर्गर में। अच्छा, भाजी अब इस बन के ऊपर लगाई जाएगी और मक्खन जाएगा? अभी तो उल्टा करके सीखेगी भाजी। एक बार थोड़ा सा बटर डल चुका है, उसके बाद और बटर डाला जा रहा है। और बटर कम से कम कितनी बार डालते हो बटर? 8-9 बार तो डाल देते। नाम है सिर्फ बर्गर का, हमने दिल से रहे क्योंकि सही दिल का बनाम दिल से रख दिया। इतना बेशरम आदमी, इतना भी सच नहीं बोलना था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हार्ट अटैक बर्गर नाम रख दिया, कौन खाएगा फिर? और तुमको एक चैलेंज है, ओरियो और मैगी के आगे कोई भी डिश का नाम लिख के उसको यूट्यूब पे सर्च करो, डिश तुम लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी। ओरियो पराठा, मैगी फालूदा। तो आज चाहदान के चैनल पे आपको एक और मैगी की रेसिपी मिलेगी, जिसके नाम क्या करना है, बॉइल्ड मैगी लेनी है। आप घर पे ही मैगी फलूदा बना लोगे। सही नहीं है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ, और क्या ही हो सकता है खराब। ओरियो पानी पूरी ये तो आएगा ही नहीं पक्का। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस ओरियो चॉकलेट पानी पूरी। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। ये बच्चों को पसंद नहीं आएगा, बच्चों को बचपन में ही मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं होते। देख के ना संजीव कपूर नस काट लेता अपनी। कौन है भाई? भाई कोई स्टूडियो में घुसने की कोशिश कर रहा है। अरे चीज और बटर होंगे, आजकल वो हर जगह जबरदस्ती घुस ही रहे। ये आ गई भाई चीज पानी पूरी पे। भाई पानी पे, पानी पूरी के पानी पे। यस, पानी पूरी पे चीज, जो कि मैंने शॉर्ट चैनल पे ट्राई किया था। तो तुम लोगों को नहीं पता ये क्या बना रहा है, तो मैं बता दूं, ये चीज और बटर की सब्जी बना रहा है। कुछ भी भाई, कस्टमर इनको पैसे दे रहे हैं अपनी बेटी का हाथ। अभी लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई थगेश भाई, ये ब्लॉगर लोग ऐसा स्पाइसी खाना बनाते हैं, बाथरूम में तो इनकी वाट लग जाती रहेगी। बोला नहीं भाई, ठगने में तो ये लोग एक्सपर्ट हो गए। एक ना शब्द बना है, नया शब्द इन्वेंट हुआ है, ये जो हमारे इंडियन स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए, नाम है डिसअपॉइंटमेंट। पूरा मूड खराब कर दिया तो। एक कीड़ा खा रहा है और एक इस तरह से खाना खा रहा है, अजीब जानवर है। इन दोनों में से एक को देख के पता किसी को उल्टी आ जाएगी, और दूसरा बूगी मैन है। पहले इंसानों को ना खाना खाने से सिर्फ न्यूट्रिशन मिलता था, आजकल तो व्यूज भी मिल रहे हैं। साल का 10वां महीना है, साल और फूड ब्लॉगर्स के करियर के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा, दोनों बहुत ही जल्द खत्म होने वाले। बाय बाय टाटा गुड बाय। तो ठीक है, पर ये तो टिक्की 60 रुपए प्लेट तो होती नहीं है, 30 रुपए प्लेट में सब जगह मिलती है। हाँ तो 30 रुपए प्लेट है ग्राहकों के लिए, फूड ब्लॉगर के लिए जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए 60 रुपए, क्योंकि भैया तुम लोग खाते कम हो चाटते ज्यादा हो। भैया का नाम भी थगेश है क्या? नहीं भाई, मेरे को तो धनुष लग रहा है, रजनीकांत का दामाद। एनीवेज, इंडियन स्ट्रीट फूड इज लाइक मैजिक। पता है क्यों? कि दोनों में हाथों की सफाई बहुत जरूरी होती है, जो ये लोग नहीं करते। ये है हनी सिंह, और ये है आपका बर्गर सिंह, और ये है आपका सिंगस किंग, और ये है आपका बर्गर किंग। आज भूखे तो बहुत हो गए तुम, इनको कैसे पता हम भूखे हैं? ये है 39 का और ये है 52 का, प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर है। ये फाड़ा, ये बंदे में इतनी एनर्जी है कि अच्छी जगह यूटिलाइज करो ना, तो 4 गांव को मुफ्त में बिजली दे सकता है ये। ये लोग इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं ना, कि हर बार अगर इनकी ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटने जाए ना, तो ये रोड पे आ जाएंगे। ओ सॉरी, ये तो वैसे भी वहीं रहते हैं। तो हम लोग जैसे वीडियो देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा इंडियन स्ट्रीट फूड बहुत आगे बढ़ चुका है। इंडियन स्ट्रीट फूड में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी सिवाय हाइजीन के। ये देखिए चॉकलेट स्वीट कॉर्न, चॉकलेट लगाई हुई है भुट्टे के ऊपर, स्वीट कॉर्न के ऊपर नमक है, मिर्च है, और उसके ऊपर चॉकलेट भी है, नींबू भी है। जी सर, अब तो सब चीज बचे हैं। गली का एक लड़का है हमारे पास, आते हैं वो रोज चॉकलेट वाले खाएंगे, लिटरल स्पीचलेस। देखो सारा दोष पॉलिटिशियंस का नहीं है, कुछ दोष इनका भी है, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं ना उसमें। आई नो थोड़ा डार्क जोक था, बट इंडियन स्ट्रीट फूड का फ्यूचर भी वही है डार्क।
सोडा एंड ओरियो वाला वर्स्ट ऑमलेट। कोई भी कुछ भी बोले भाई, मेरे मुंह में ये देख के पानी आ गया उल्टी के साथ भाई। सच्ची में मेरे मुंह में पानी आ गया, मन कर रहा है थूक दूं इन पे। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। ये ब्लॉगर जब भी शूट करने जाते हैं ना, दुकान पे चाट चाट के खा जाते। नहीं खाना नहीं, इन दुकानदारों को। नॉर्मल लोग जो होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के पास जाते हैं ये पेट की भूख मिटाने, ब्लॉगर्स कंटेंट की भूख मिटा रहे हैं। यहाँ पे खाने में भले ही मसाला कम हो, कंटेंट में इनको पूरा चाहिए। आगे स्वाद। आजकल तो देखो ब्लॉगर्स का एक सेट पैटर्न है, पहले एक गरीब वेंडर की रोते हुए वीडियो बना दो, फिर जब उसको सपोर्ट मिलने लग जाए और काम में बिजी हो जाए तो उसको घमंडी बता दो। मस्त प्लान है। फिर उसे फ्रॉड बोल के एक्सपोज वाली वीडियो बना दो। अब तो कोई फूड ब्लॉगर वायरल होता है उसके लिए मेरे को बुरा लगने लग जाता है। भांग पीना छोड़ दोगे अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो। भाई सबसे पहले आ गए यहाँ पे काजू का पेस्ट, और उसके बाद डाल रहे हैं भाई साहब ये थोड़ी सी भाई साहब देखिए रबड़ी। यहाँ पे फुल मीठा करने के लिए डाल रहे हैं यहाँ पे भर भर के चीनी, और ये ले लिया यहाँ पे थोड़ा सा दूध। और ये क्या कर रहे हैं, ये इस पे इन्होंने ही भाई साहब हाथ धोना शुरू कर दिया भांग के अंदर ही अपना। हाँ भाई तेरे को भांग पीने की जरूरत भी नहीं है, तेरी ऐसी हरकतें है ना, तू बिना पिए ही भांगेड़ी लग रहा है। मतलब मसालों ने भी इतने बुरे दिन नहीं देखे थे जब इनकी वजह से हम गुलाम बन गए थे अंग्रेज के। ये मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी। लोग मेरे को पूछते थगेश तू है क्या, तू उन पे पहले रिएक्शन देता है, फिर तू उन पे रोस्ट करता है, फिर उनके ही दुकान पे जाके वो ट्राई करता है, सब तरह से पैसे कमा रहा है, तू क्या चीज है मेरे को पूछते। मैं बोलता हूँ भाई बनिया। बढ़ते बढ़ते हमारे अगले पंच लाइन वाले सेगमेंट, हालांकि पूरा वीडियो ही पंच लाइन था, बट बढ़ते पंच लाइन वाले सेगमेंट में। माइक ड्रॉप। कुछ चैलेंज होते हैं पता है जिससे आपको फ्री खाना मिल सकता है, लेकिन हमारे फूड ब्लॉगर्स के ऐसे चैलेंज होते हैं आपको फ्री फूड पॉइजनिंग मिल सकता है। कुछ लोग होते हैं जो खाने की इज्जत करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इज्जत नहीं करते, बट ये लोग इज्जत लूटते हैं। गजब बेइज्जती है। ब्लॉगर्स हमने देखा है बहुत सारा खाना वेस्ट करते हैं। खाना छोड़ो भाई, ये तो लाइफ भी वेस्ट कर रहे हैं। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दुनिया में लोग देखो क्रिएटिविटी ना होने की वजह से परेशान है, पर इंडियन देखो कुछ ज्यादा ही क्रिएटिविटी के कारण खाना वेस्ट कर रहे हैं। एनीवेज आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। और आप लोग भी मेरा कंटेंट वेस्ट कर रहे हो, अगर यार मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @MaheshKeshwala। किसी को भी जाके फूड ब्लॉगर्स को हेट मत देना, ठीक है। बाकी अपने सेकंड चैनल पे अपना रिएक्शन तो चालू ही रहेगा। मैं सोचा आज तो थोड़ा ज्यादा हो रहा था, रोस्ट कर दूं ऐसे ही। सेक्सी लग रहा था। जैसे मैंने बोला डेटिंग इजी नहीं है, बट इट्स वर्थ इट। कमेंट करके मेरे को बताओ व्हाई इट्स वर्थ इट, और जाओ डाउनलोड करो हैपन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके सो दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।